बड़ा सुंदर माहौल है। हमारी माता बहन लोग भी उपस्थित हैं, तो कुछ पचरा आप सबके बीच में हो जाए। आइए एक बड़ा ही सुंदर भजन। अभी ये जो हम लोग का नवरात्रि से क्या हम लोगों का श्रद्धा भाव स्टार्ट होता है अगस्त से। पहले सावन आता है, फिर गणपति आता है, उसके बाद में नवरात्रि आता है, उसके बाद में दिवाली, छठ, समथिंग दो तीन महीना पूरा श्रद्धा भाव से हम सब प्रभु की आराधना करते हैं। और बड़े पवित्र दिन हैं ये सब। अभी छठ आ रहा है तो मैं छठ भी सुनाऊंगी आप सबको, लेकिन अभी हमारी माता बहन लोग हैं तो कुछ इनके लिए भी हो जाना चाहिए। हमारी माता जो लोग छठ करते हैं, बड़ा कष्ट होता है छठ का व्रत करने में, या कोई भी व्रत रखने में बड़ा कष्ट होता है। आज हम सुबह से खाए के ना मिले लगा तो ना दिक्कत होता गावे में, लेकिन ये लोग प्रतिदिन दिन व्रत रहती है। और अपने किसके लिए? आप सबके लिए, कि हमारा बेटा, हमारा पति, हमारी बेटी, हमारे सास ससुर, हमारा घर परिवार सब सुखी रहे। और एगो लड़की के नया नया ब्याह भइल बा, अब माई के दरबार में जाके बड़ा सुंदर भाव से माई के समनवा जाके निहोरा करत है के बहुत नाल रहे जल रहे से कहली माई बहन हमारे हमारे तेनू तो सलामत रहबे करे, हमारे बेटा, हमारे कुल परिवार, हमारे पति, हमारे सास ससुर सब बढ़िया से रहे, सबकर जीवन एकदम खुशी मंगल से बीते, पूरा कुल परिवार हमारे सुखी रहे। बोली दुर्गा मैया की। अजय जे सुन ले बात, तनी सुंदर सुंदर ताली बजा के साथ दिया। आ बहुत नल रहे नहीं हाला माया भैया से बात ना भई लगा यही से ना गाले पे हाथ धो के बैठल बाड़ी की का करी रे दादा। बोली सच्चे दरबार की आ ताली बजाई जा गंगा जी नहाए काला का धारा ये जो काला नहीं भाई
खातरी राजा दशरथ जस ससुर बलवा की जय संदूका राजा दशरथ और जैसा ससुर बरवागी राम जी जैसन दूल्हा। अच्छा राम जैसन दूल्हा के करा के जैतनी हाथ उठावा नहीं हमरा चाही जी, लेकिन राम जी बनने से राम जी दूल्हा मांगे से पहले खुद को भी सीता जी बनना पड़ेगा, सही है ना? बोले सच्चे दरबार की, सही बोले ना? आई देखो कितने राम खड़े हुए हैं, लेकिन फीलिंग इस समय रावण वाली है मन में, सही बोले ना? बोले सच्चे दरबार की। अरे चारों तरफ गा रहे भैया, थोड़ा सा फ्री माइंड छोड़ेंगे हमको? बिल्कुल, अब ये चीज अगर आप हमको बताएंगे भी तो हमारा मंच पर रहना बेकार है। थोड़ा सा माँ बहन का गाना है तो हम इधर भी सोचते हैं कि इधर माँ बहन के लिए भी थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि